वेलकम टू माय चैनल जीतू सुपर पिजन में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों माय होम ब्रीड 47 ये अपनी 47 वाली नस्ल है भाई, ये नस्ल नहीं है अपनी जान है। ठीक है जी, ये गया था उत्तर 47 वाला। ठीक है जी, ये आ गया जी। तो दोस्तों एक अलग ही मज़ा होता है जब आप अपने घर पे एक अलग नस्ल तैयार करते हो और उसको नाम देते हो। ठीक है, तो उसका एक अलग ट्रेंड होता है, एक अलग ही मज़ा होता है। और ये कबूतर एक टाइम ऐसा था लोग इन्हें पूछते भी नहीं थे, आज सारी दुनिया इनके पीछे है 47 वाले कबूतरों के। ठीक है, बेसिकली ये जो नस्ल है ये बाबा धन्याड़े कबूतर है, लेकिन हमने इनको अपना नाम दिया हुआ है 47 वाले। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स है उनको जिन्होंने ये नस्ल हमें तैयार करके दी है, लेजेंड बाबा धन्ना जी महाराज। ठीक है, उनको हम शुक्रिया करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कबूतर हमारे लिए उन्होंने तैयार कर दिए जिसका मज़ा हम ले रहे हैं। तो एक अलग मज़ा होता दोस्तों इस चीज़ का कि यार हम अपने घर पे कैसी नस्ल तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कबूतरी है जी, कबूतरी का भी शौक कराते हैं आपको। ठीक है जी, ये कबूतरी देखो, कबूतरी को देखते ही कबूतर कैसे, ये देखो ये होती है एक अलग पहचान। ठीक है जी, ये देखें। ठीक, अपने कबूतरों को अपनी नस्ल को इस तरह से पहचान दो कि दुनिया उसके पीछे हो जाए। ठीक है दोस्तों, जब आपको अलग फील होगा, एक अलग एहसास होगा कि यार वाकया में यार मैंने क्या चीज़ बनाई है, क्या नस्ल बनाई है, उसका एक अलग ही मज़ा आपको मिलेगा। तो ये जो नस्ल हमने तैयार की है ना दोस्तों, विश्वास करना मेरा दिल इस चीज़ को गवाही देता है कि भाई मैंने जो मेहनत किया वो रंग लेके आई है। ठीक है, हालांकि ये मेरा कबूतर जो है पुराना कबूतर है और ये हल्का सा पुराने टेढ़े में भी है, लेकिन ये ब्रीडिंग बहुत अच्छी करता है। तो ये बेसिकली इस जोड़े का शौक कराने का मतलब ये था कि आप अपने घर पे एक ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं अगर आप मेहनत करना चाहें तो। ठीक है, अब देखो हमने कितनी मेहनत से ये चीज़ तैयार करी है आप सब भाइयों के लिए, आप समझदार हैं सभी। तो दोस्तों इस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये नर है, इधर से थोड़ा अंधेरा पड़ रहा था, और ये मादी ने। तो ये एक अलग नज़ारा आता है, इंसान को भी ये फील होता है कि यार मैंने एक ऐसी चीज़ तैयार करी है जिसको लोग सपोर्ट करते हैं, लोग प्यार करते हैं। ठीक है, और ये नस्ल का रिजल्ट भी इतना तगड़ा है भाई। सबसे बढ़िया बात मुझे इनकी एक लगती है, घर की वापसी, बेहतरीन वापसी है इनके घर की। दोस्तों हम अपनी सारी नस्लों को आपको शौक कराएंगे, राजन वाली भी, मीरा वाले भी, 47 वाले भी आपको मैंने दिखाए। तो कैसा लगा ये पेयर आपको, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आज मैं कहा चलो भाइयों को शौक कराते हैं, और मैं जोड़े हमेशा गर्मी में ही लगाता हूँ दोस्तों, मैं ठंड में बच्चे नहीं कराता ज़्यादा। ठीक है, मेरे को मज़ा आता है गर्मी में बच्चे कराने का, इस टाइम पे लोग अपने जोड़े तोड़ रहे होंगे और मैं अपने जोड़े लगा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं सर्दियों में बच्चे नहीं कटवाता। तो कैसा लगा ये पेयर ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया। और दोस्तों ये सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कोई भाई ये ना कहे कि ये सेल कर दो, सेल के लिए नहीं है भाई। लोग इनके मतलब बड़े कबूतरों की तो मैं बात ही छोड़ दूं, बच्चे भी 5-5 हज़ार के, 7-7 हज़ार के, 8-8 हज़ार के लोग बच्चे सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप तो समझदार हो। ठीक है जी, और फिर भी एक चीज़ देख के बता रहा हूँ मैं आपको, प्योरिटी उनके अंदर फिर भी उतनी नहीं है। ठीक है जी, ये भाई मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉस करके ना इस नस्ल को तैयार किया, और आगे भी मैं इनब्रीडिंग नहीं करूँगा इनकी। इनब्रीडिंग का बहुत लॉस होता है दोस्तों, इनब्रीडिंग आप कर दोगे कबूतर कलर तो मारेगा, कलर तो निकालेगा, लेकिन उड़ान घट जाएगी। तो इनब्रीडिंग नहीं करी मैंने इनमें, क्रॉसिंग भी करी है, महंगी से महंगी कबूतरी खरीद के भी लाया हूँ, 10-10 हज़ार रुपये की कबूतरी भी खरीद दी है इनको क्रॉस डालने के लिए। क्योंकि भाई कुछ चीज़ अगर बनानी है उसके लिए पैसा भी खर्चना पड़ेगा, समय भी खर्चना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉसिंग डाली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रॉसिंग नहीं डाली है, लेकिन ये क्रॉसिंग इसलिए डाली है ताकि इनब्रीडिंग ज़्यादा ना हो, और जहाँ इनब्रीडिंग होगी वहाँ फिर रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा।
कलर बेसिकली बन जाएगा आपके पास, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो आ जाएगा उसका उड़ान में। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने क्रॉसिंग भी डाल ली है, महंगी से महंगी कबूतरी भी खरीदी है इनमें, ठीक है, जब जाके ये नस्ल तैयार हुई है। और दोस्तों कैसा लगा ये पेयर आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है, और अपने घर पे अच्छी नस्ल तैयार करो। एक अलग ही मज़ा होता है जब आसमान में कबूतर उड़ के आता है ना, और सीना चौड़ा होता है कि मेरे घर का बच्चा है। घर के बच्चे की रीस नहीं होती भाई, आप जहाँ मर्जी से कबूतर खरीद के ले आओ, जितने मर्जी महंगे कबूतर खरीद के ले आओ, फिर भी आपका दिल यही कहेगा कि कम से कम मैंने ये कबूतर बाहर से ही खरीदा है, ठीक है, मेरा अपने घर का बच्चा नहीं है। तो आप अपने घर का बच्चा जब उड़ाओगे ना, उसका अलग मज़ा होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर अपने घर में बच्चे कटवाओ, नस्ल तैयार करो, सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। देखें ये जोड़े का आपको मैंने शौक कराया और आपने शौक किया, और कोई भी भाई इसको ये ना बोले कि ये भाई इसको सेल कर दो, और कोई बंदा ये कहे मैं 50,000 में भी सेल नहीं करूँगा दोस्तों, ठीक है, ये समझ लो, क्योंकि इस नस्ल के पीछे मैंने मेहनत करी है, ठीक है। बच्चे आगे होंगे और मैंने बहुतों को दिए भी हैं, बहुतों को पहुँचाए भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है दिए नहीं है, नस्ल हर किसी के पास जा चुकी है आज के टाइम में, और सभी के पास ऑलमोस्ट पहुँचाई हमने तो। लेकिन बड़े जोड़े कोई बंदा कहे कि बड़े जोड़े दे दो, तो वो बात हजम नहीं होगी, ठीक है। तो कैसा लगा ये पेयर, कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का।